महेंद्र सिंह धोनी का हम इतने बड़े फैन है। इधर ए इधर सुनो गबरू, महेंद्र सिंह धोनी का हम इतने बड़े फैन है, सीना फाड़ के दिखा देंगे, धोनी की फोटो निकल आएगी। जान ही तुम कितने बड़े फैन, छोटा मोटा ना समझना हमको, मिल के आए हैं। हे भैया सही बताओ, स्टेडियम गए थे, आगे वाली सीट पे बैठे थे, खेलने जा रहा था, हमने कहा इधर रुको, कहीं तक्का, हमने कहा इधर आओ, आवा, हमने कहा ऑटोग्राफ दो, दीस, हमने कहा फोटो खींचो, खींचिस। सही बता, सही हम तुम लोग का बता रहे हैं, आधे टेम तो तुम लोग हैये हो और ये तुमका पूरा टेम बना रहे हैं। इधर देखो तुम, इधर थोड़ी देर सुन लिया करो, एक तो बत्ती आने रही, पसीना बहिरा शरीर से गंध आ रही, दिमाग खराब करने के लिए सामने तुम बैठे हो, और ट्रांसफार्मर तो सही हुआ नहीं होगा अब तक। अरे वो अवस्थी जी गए हैं सीढ़ी लेके सही करवाने, अवस्थी जी कहीं तो कुछ ना सही करवाए, ज्यादा एहसान ना करे हम लोग के ऊपर, और यहाँ फुड़वा दे जो लगी हम लोग की गली में सोलर वाली। क्या है परेशान हो रहे, सही हो जाएगी। तो भैया हाँ, जो क्रिकेट में बैट लोग खेलते हैं वो बहुत भारी होता ना। अबे बैट तो तुम भूल जाओ, तुम बात करो बॉल की, हाथ से उठाने जाओगे तो हाथ उखड़ जाएगा, इतनी भारी होती सिलेंडर, जानते हो सिलेंडर, सिलेंडर से 3 गुना भारी होती बॉल, तुम्हारे जैसे नहीं फोम वाली बॉल से खेला पुचुक पुचुक हुई रही। क्या बोल रहे हो, 3 गुना? हाँ सिलेंडर का 3 गुना, भरा कि खाली, भरा सिलेंडर, जो कुछ ज्यादा नहीं हुई रहा। कभी स्टेडियम गए हो? नहीं हमका कोनो शौक नहीं है। कभी चले जाना, और जब छक्का आए ना तुम्हारी तरफ तो खोपड़ी आगे कर लेना, तब पता चलेगा कितनी भारी होती कितनी भारी नहीं होती। खोपड़ी गेंद निकल आएगा, फिर गेंद नहीं निकल आएगा तो तरबूजा लिए बैठे ब्लास्ट हो जाएगा। हे भैया सही बता, नहीं तो जाके देखना कभी स्टेडियम में, हमको जाने कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ज्यादा मैच का भूत चढ़ा, तुम ही जाओ। मैच का भूत, जानते हो मैच का भूत क्या होता है? क्या होता भैया? जिस दिन मुंबई इंडियंस हारे, हाँ हाँ, वानखेड़े बगल से चले जाना 3:33 पे, हाँ, अंपायर नाचते दिखते हैं। पापा का बताओ, कह रहे मम्मी बुला रही, खाना बनाओ आके। बनाओ आके मतलब खाओ आके, खाए और बनाए कोनो अंतर नहीं तुम्हारे लिए। अरे आप जल्दी पीटी खजवा रहे हो घंटा भर से, बुला रही, रुको थोड़ी देर आ रहे हैं, कोनो अमृत नहीं बनूती तुम्हारी मम्मी कि हम खाए के लिए लालायित रही। ओ भैया हाँ, वो कौन सा प्लेयर रहता जो खोपड़ी में लुंगी बांध के आता? लुंगी बांध के आता? हाँ एक होता नहीं जो लुंगी बांध के आता खोपड़ी में। समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो तुम। अरे वही जो खड़े खड़े चक्का मार देता। कौन लेट के चक्का मारता यार, सब खड़े खड़े चक्का मारते हैं। यही मारते हैं लेट के छक्का, वो कौन मारता? नहीं कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जान निकल जाती छक्का मारने में, पर वो खड़े खड़े मार देता। गेल की बात कर रहे हो? हाँ वही वही वही, का नाम का गेल, वो लुंगी बांध के आता है। हाँ लुंगी नहीं आते बांध के पीछे काली काली, लुंगी है वो, लुंगी है, स्टाइल है उनकी। अरे भैया स्टाइल से तो हम बहुत परेशान है, हमारी बिटिया कल मैच देख रही रहे हमारे साथ, आंदे रसेल बहुत पीट रहा रहे, कहने लगी पापा, हम कहा कहेस कि अब की बार जब बाल कटवाना तो आंदे रसेल वाले कटवाना, धांसू लगी हो। अपनी बिटिया से कह दो इन उनके लिए कौन हेयर स्टाइल ढूंढ दे, बने भिखारी घूमा करत। अबे एक बात बताओ तुम जरा, पूछो, इतनी गर्मी में भी तुमका रहाइस नहीं ना, इतनी बढ़िया आईपीएल की बातें चल रही तुमको समझ में नहीं आ रहा कुछ? अरे हमको आईपीएल की बात है कि हमको आईपीएल नहीं समझ में आता है तो भागो यहां से, चलो, नहीं समझ में आता आईपीएल तो कहां बैठे हो? अपने चबूतरे बैठे तुम्हारी छाती पर बैठे हैं जो भगा रहे तो बैठ जाओ आके, आओ छाती बैठ जाओ आके, तुम आओ बैठो आके। हाँ तो बैठ जाएंगे ना, चिंता काय करो, आएंगे वो भी समय आए, यहाँ सिर्फ आईपीएल की बातें होंगी और कोई बातें नहीं होंगी फालतू की। ऐसा है तो भैया आईपीएल की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, लो हम गाना गाएंगे। ABCDEFG उस समय निकले पंडित जी, ले आधा रखा था ना कहीं, लाओ जरा। हाँ भैया ये लो। उस समय निकले पंडित जी बंद कर रहा गाना, थोड़ा खोपड़ी लागत बत्ती आए है वाली है। मोटर चला।
मार डालना, बस टीवी ना चलाना खाली। भाई के मारा मैच आ रहा है, चलाओ टीवी तुरंत, स्कोर देखो कितना हुआ। देखो कहो चली ही जाए भाई। एबीसीडीईएफजी उस समय निकले पंडित जी, पंडित जी की बड़ी चुटैया। पापा कैसे बोलते हो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। मम्मी देख लियो तुमको क्या कह रहे हैं। अच्छा बताओ क्या कह रहे हो। कह रहे हैं उल्लू पे पांच वाक्य लिखने, जल्दी बताओ। उल्लू पे ये बैठे तो है उल्लू, लिख लियो जितना लिखे कोई इनके ऊपर। ए उस दिन की मार भूले नहीं ना अब तक, उस दिन की पिटाई समझ में नहीं आई है। अरे हम रोज पिटते हैं, हमका कोनो फर्क नहीं है। तो तुम आज ही पिटोगे बता रहे। जब तक मजाक में ले रहे तब तक कोनो पीट ले, पर एको चाटा अगर सीरियसली ले लिया तो बता दे रहे हैं बड़े बड़न की मुच्छे नोच के डिब्बन में भरा है। और ये जो तुनकी तुनकी धरे हो इनका नोचम टाइम ना लागी। अरे पापा बताओ इधर। कबो अपनी मम्मी से पूछ लिया करो कि खाली खौबे जनती जा रहे बताने। कहां चली सवारी। ए, हमको तो टोकने ओकने की हिम्मत ना कर देना, हम मजाक मूड में है नहीं, कह के तुम तो हमेशा रहते हो खोपड़ा फाड़ देंगे, चिल्लाते रह जाओगे। जा रहे पावर हाउस से बम फोड़ के आएंगे, बत्ती आ नहीं रही। आईपीएल पूरा चल रहा, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया, एक मैच नहीं देखा अब तक। जब बम की आवाज सुनाई पड़ेगी ना दिल दहल जाएगा आज देखना। ए, कौन सा बम दगाने जा रहे हो। परमाणु बम दगाने जा रहे, चौबे की दुकान से लेके आए हैं, जा बता दो जाके जिसको बताना है। शकल देखो परमाणु बम दगाएंगे। भैया चेक कर लेते हो कहीं परमाणु ही बम तो नहीं। अबे परमाणु बम सबके पास नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, सब लोग परमाणु बम दिए नहीं घूमते रहते हैं। जिनके पास राइफल होती है उनके पास होता है परमाणु बम। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हो। अबे यार तुम बिल्कुल वही हो, क्या क्या कहते हैं उसको, बैलान। ये बैलान है बिल्कुल। अरे भैया बैलान से याद आया, जो पीछे गुप्ता जी नहीं रहते मैकली में, उनकी कल टीम जीत गई रहे तो पूरी छत भरे में नाच रहे रहे। तो बस तो कुछ नहीं, बैलान से याद आया ना, समझ जाया करो फिर। यार गुप्ता जी की बात हमारे सामने ना बोला करो, उनके बहुत पैसे घमंड। वैसे भैया ये क्रिकेट वाले लोग बहुत कमाते होंगे। और नहीं तो का तुम्हारी तरीके कटोरा लेके रोड पे बैठते। अरे कटोरा लेके रोड पे नहीं, लोटा लेक मैदान बैठा था सुबह सुबह। हमारी अंतिया सब दिखता है। ज्यादा नहीं समझे, बहुत देर से सुन ले। हमारा कुंखार खून अगर खोल गया ना तो तुम्हारी खोपड़ी की खाल खींच के खरगोश को खिला देंगे। तुमको पता है काय के लिए परेशान कर रहे हैं। काय? हम लोग आईपीएल की बातें करने लगे ना इसलिए। नहीं कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जितना मारो चाहे जितना पीटो वो लोग सुधरने के बजाय उल्टा और बदतमीज होते चले जाते हैं, उनकी औते ही अकड़ जाती है। उस दिन जब मारा था ना तो इनके दिमाग में तीन घूसे जड़ दिए थे, उसी में इनका दिमाग गया हिल और ये दोबारा चाहते हैं। और हम तुमको बता दें जिनके पास दिमाग नहीं वो आईपीएल का फैन नहीं बन सकते। आईपीएल के फैन सिर्फ दिमागदार लोग हैं। ये दिमागदार है, गजेड़ी है। तुम क्या हो? हम महागंजेड़ी हन। एक काम करो तुम आज बता दो है? एक काम करो तुम आज बता दो कि तुमको आईपीएल से दिक्कत क्या है? दिक्कत है खाली फिक्सिंग। क्या आईपीएल होता फिक्स पूरा? अच्छा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है क्या फिक्स होता है? अरे प्रूफ है के लिए तो बताओ जरा। एक मैच में एक बल्लेबाज है 200 मार रहा, 300 मार रहा, 500 मार रहा, दूसरे मैच में 0 पे आउट हो रहा। एक बॉलर एक मैच में 7 विकेट ले रहा, 8 विकेट ले रहा, 15 विकेट ले रहा, 20 विकेट ले रहा, दूसरे मैच में 100 रन पिटवा रहा। एक ही फील्डर एक मैच में लथिर लथिर फील्डिंग कर रहा, ऐसा फील्डिंग कर रहा कि घास उधड़ी जा रही,
वाये बिल्डर उड़ी उड़ी कैच पकड़ रहा, पवेलियन से ने कैच पकड़ पकड़ी ला रहा, दूसरे मैच में झोला कैच आ रही वह नहीं पकड़ पा रहा, एक टीम एक आईपीएल में इतने मैच जीत रही कि टॉप पे बनी है, दूसरे आईपीएल में बिल्कुल नीचे जा रही है, एक को मैच नहीं जीत पा रही। ये हमारी टीम के बारे में कुछ ना कह दे रहा है, सर पे जितने बाल है ना सब उखाड़ के हाथ में रख देंगे। अरे हमारे सर पर तो बाल है नहीं, हम तो चंद चुतैया हन। नहीं वो छोट छोट वाले होंगे। अरे हमारे कुछ नहीं, हम रोज घुटवाते हैं, हमारा पूरा साफ चंद्रमा है, वही कहते नहीं चंदा मामा दूर के पुआ पकावे पूर के आप खा। पापा मम्मी कह रही मिट्टी तेल लेके आओ दुकान से। काहे मिट्टी तेल का करी है, चल के मरा चाहती का। तुम्हें तो माचिस लगाई हो काहे।